तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। आज हम पहुंचे हैं सिरसा जिला के नारायण खेड़ा के अंदर, जहां पर लगातार जो किसान आप देख रहे थे कि टंकी पर चढ़े हुए हैं और 100 दिन उनका धरना है, जो वो मुआवजे के लिए के जो धरना लगाया था उसको 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं। और मैं सहयोगी से कहूँगा इस साइड भी जरूर दिखाए, सरपंच उनका साथ दे रहे हैं और अनशन पर बैठे हैं। 8 सरपंच और 6 किसान लगातार 10 दिन से अमरण अनशन पर बैठे हैं। सरपंचों की जो उपप्रधान है, सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के उपप्रधान संतोष बेनीवाल हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि किसानों की लड़ाई में सरपंच जो कूद गए हैं, क्या कारण है, क्यों ये जो सरपंच हैं आज यहाँ अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि लगातार जो किसान थे वो धरने पर बैठे हुए थे। तो एसोसिएशन के जो उपप्रधान हैं संतोष बेनीवाल, वो हमारे साथ हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या बताएंगे, लगातार जो किसानों का धरना था 100 दिन को हो चुके हैं, लेकिन आप जो सरपंच एसोसिएशन है वो भी किसानों के साथ आई है और लगातार अमर अनशन पर बैठे हैं, क्या कारण है, किसानों के जो आंदोलन में सरपंच एकदम एंट्री कर चुके हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, 101 दिन हो चुके हैं आज किसानों को धरने पे बैठे हुए, और हमारी जो सरपंच एसोसिएशन है ना, वो सरु दिन से इनके साथ खड़ी है। हम आज सरपंच बने हैं पर किसान पहले से हैं, तो हमारा हक बनता है। देखो, जब किसान की आन बान शान पे और पगड़ी पे बात आती है तो हमें साथ देना चाहिए, तो वही हमने किया है। आज हम किसानों के साथ बैठे हैं, तो देखो सरपंच तो आज बने हैं पर जन्मजात से भी हम किसान हैं ना। अब लगातार सरपंच एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार के खिलाफ बनते आ रहे हैं, धरने प्रदर्शन किए, विरोध किया सरकार का, आज किसानों के साथ भी लगे हैं, क्या कहेंगे, सरकार कहीं भी झुकती हुई नजर नहीं आ रही? देखिए, इस सरकार को आए 9 साल हो गए, ये बिल्कुल जन विरोधी सरकार है, और इस सरकार में बैठे लोग सारा कुछ लूटने का काम कर रहे हैं। तो जो भी कहीं भी किसानों पे बात आती है, कहीं भी आम जन पे बात आती है, तो देखो जब भी हम कहीं भी धरना लगेगा, हम बख्शने वाले नहीं है सरकार को, क्योंकि सरकार जो आज हमारे किसान भाइयों के हकों की मांग है, और उसको सरकार जो बीमा क्लेम है उसको खाने का काम कर रही है, तो हम ये किसी भी तरह निकलवाना पड़े हम निकलवा के रहेंगे। उस दिन बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर फतेहाबाद के अंदर आ रहे हैं, क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, हमने पहले भी ये बात कही है कि जब तक हमारे सरपंचों का और किसानों का कोई भी सलूशन नहीं निकालती सरकार, हम सरकार के कोई भी नुमाइंदे हमारे गांव में या शहर में या कहीं भी आसपास में घुसने का काम करेंगे तो खुद जिम्मेवार होंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर आ रहे हैं 15 तारीख को, तो हम ये कहते हैं कि या तो 14 तारीख तक हमारा जो बीमा क्लेम है वो जारी किया जाए, और ना करती है सरकार तो 15 तारीख को जब सीएम हमारे फतेहाबाद जिले के अंदर आ रहे हैं, तो वो सोच समझ के इस फतेहाबाद में घुसने का काम करें, नहीं किसी भी तरह किसान है ना उसको बख्शेगा नहीं, क्योंकि हम 14 तारीख तक यहाँ बैठे हैं और 15 तारीख को हम फतेहाबाद की तरफ कूच करेंगे। नमस्कार जी। क्या नाम है, कौन से गांव से सरपंच हो आप? नाम कविता है जी, गांव चारवाड़ा से सरपंच हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकारों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप किसानों की आवाज़ है वो लगातार मीडिया के जरिए सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हो। इसके बाद जो भाई अपने टंकी पर चढ़े हैं और किसान आंदोलन पर बैठे हैं, जो सरपंच हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको हिम्मत दे और शक्ति दे। क्या क्या कहेंगे, अगर सरकार अभी नहीं जागती है तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? सरकार कितने के दिन कर लेगी? 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हैं, 6 महीने और कर लेगी। मैं खुद सरपंच हूँ और मुझे लगता है कि सरकार ने पढ़े लिखे सरपंच बनाए धरने देने के लिए कि अच्छे से ये धरने दे सके। आज तक हमने कोई काम नहीं दिया, कोई भी काम, छोटे मोटे काम तो वो तो है ही, लेकिन बड़ा काम मैंने आज तक हमने कोई काम नहीं दिया है। अब ना हमारी सरकारें सुन रही है, तो कोई बात नहीं है, इनका जवाब हम आगे 2024 में जरूर देंगे। आपने कहा 2024 में जवाब देंगे, लेकिन पहले अगर बात करें, महिलाएं सिर्फ घर के अंदर तक सीमित थी, अब आंदोलनों में खुल गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, आज दुनिया देश तरक्की कर रहा है, तो ये हम कह रहे हैं कि जो ये अब किसान है, सरपंच है, तो सरकार ने इतनी तो छूट दी है, अभी इस पढ़ी लिखी सरपंच चुनी है, तो पीछे तो हम हटने है वाले हैं ही नहीं, और अब तो आगे से आगे देखो महिलाओं की कितनी पावर होगी, मुझे लगता है कि आदमियों से ज़्यादा महिलाओं की होगी। तो और भी जो सरपंच हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या क्या बताएंगे आप, लगातार आप अनशन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके, कितने दिन तक आप अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि सरकार है लगातार आपकी अनदेखी करती जा रही है? भाई साहब, हमें
सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए सरपंचों का आंदोलन हमें 7-8 महीने हो गए और ये किसानी लड़ाई पूरे 100 दिन हो गए, आज 100वां दिन है। जब तक सरकार बीमा क्लेम की राशि हमारे खाते में जारी नहीं करेगी ये आंदोलन ये अनशन ज्यों का त्यों जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं लगातार जो सरपंच एसोसिएशन का ऐलान है कि लगातार किसानों का साथ देते रहेंगे और जब तक सरकार क्लेम बीमा जो क्लेम है वो नहीं देती तब तक इनका अनशन और आंदोलन यूँ ही जारी रहेगा। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।